मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग का एक दिवसीय राज्य स्तरीय युवा मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी मौजूद रहे। विक्रांत भूरिया ने बताया कि किस तरह से हमें हमारी सोशल मीडिया टीम को एक्टिव करना है और कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोगों को जोड़ना है, इसके बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आज मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय सोशल मीडिया का युवा मंथन कार्यक्रम रखा गया है। आज पीसीसी में इसका आयोजन करा गया है। हमारा प्रयास है कि जो यूथ कांग्रेस की सोशल मीडिया की ताकत है, जो कांग्रेस की सोशल मीडिया की ताकत है, उसको घर घर तक पहुंचाना, पंचायत स्तर तक पहुंचाना और हर गांव तक पहुंचाने के लिए हमने प्रदेश में हर जिले में सोशल मीडिया समन्वयकों की नियुक्तियाँ कर दी हैं। और जैसा कि कमलनाथ जी का और श्रीनिवास जी का हमें आदेश था कि विशेषकर अब ट्रेनिंग पर आपको ध्यान देना है, तो ये नियुक्तियां जैसे ही हुई उसके दो दिन के अंतर्गत आज हमने इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का भी आयोजन करा है। इसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनको कांग्रेस की रीति नीति से मुखातिब करा जाएगा। क्या क्या संगठन में हमें उनसे अपेक्षा है वो बताया जाएगा, किस तरह से आपको अनुशासन बनाकर रखना है और सोशल मीडिया को किस तरह से एक सबसे मजबूत ताकत की तरह आप पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, आज उन सब पर चर्चा होगी। और विशेषकर आज इस मीटिंग में कमलनाथ जी भी 1:30 बजे के आसपास जूम के माध्यम से हम सबसे जुड़ेंगे, वो भी हमारे सारे युवा साथियों को मार्गदर्शित करेंगे। हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी जी भी आज छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं और वो भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश में किस तरह से सोशल मीडिया को हमें सबसे ताकतवर एक ग्राउंड फोर्स के रूप में विकसित करना है उसके बारे में भी पूरी तरह से हमारा आज मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी का सीधा निर्देश है कि ग्राउंड पर उतर करके हमें युवा कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करना है और इसके लिए ज़मीनी स्तर पर लड़ाई करनी पड़ेगी। और जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में एक माध्यम होता है सोशल मीडिया, जिसमें कि जिसको कि ताकतवर बनाना काफ़ी आवश्यक है। और इसलिए हम लोग अभी प्रदेश लेवल पर, जोन लेवल पर, जिला लेवल पर नियुक्तियां की हैं और 2 दिन पहले ही जिला स्तर पर नियुक्तियां हुई हैं और उसके बाद से हम लोगों ने आज यहां एक युवा मंथन का एक दिवसीय शिविर रखा है। ये शिविर जो है वो आपसी तालमेल और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जो भी है इस सब से अवगत कराना है लोगों से। आने वाले समय में एक वर्कशॉप होगा, ये वर्कशॉप राज्य स्तरीय होगा, फिर इसको हम जिले स्तर पर ले जाएंगे, जिले के बाद से विधानसभा में भी लेके जाएंगे और पंचायत तक हम प्रयास करेंगे कि पंचायत तक भी हम पहुंच करके सोशल मीडिया की टीम को खड़ी करें। आने वाले समय में आप लोग ये भी देख रहे हैं कि उपचुनाव भी है, 3 विधानसभा 1 लोकसभा का भी उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो हम लोगों ने उपचुनाव जीता है वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि जनता जो है वो दुखी है भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति चल रही है, तो इसी को हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और जनता की बातों को आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।